शिव तीर्थ कहे नमो शिव से ज्योतिर्लिंग रे भक्त सुमरे नमो शिव आबु पर्वत तांकर उदय से तो निराकार दर्शक बंधु प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तरफ भिन्न एक शिवालय कार्यक्रम आपण मानक स्वागत जनाऊँ आज आसमें पहुँचे बुद्धिकमना ग्राम से बुद्धिकमना ग्राम नुआपड़ा डिस्ट्रिक्टर गोटे पंचायत यही बुद्धिकमना पंचायत अवस्थित श्री श्री पातालेश्वर महादेव पीठ आसतु मंदिर भितर को जवा पचारि बुझा पूजक महेश एठिकार ऐतिहासिक तथ्य कौन अच्छी पौराणिक तथ्य सब कौन अच्छी पूजा विधि इत्यादि इत्यादि आसन मो सांगे आम सहित अच्छा श्रीजुक्त सत्यवान जोशी से होंगे आर्कोलोजिकल सर्वे अफ ओडिशा जो अच्छी प्रत्नतत्व विभाग तार जे एठिकार गाइड तेणु सी आमको ये मंदिर इतिहास संपूर्ण बरणी देवे ये मंदिरटा जहाँ आम ऐतिहास जना पड़े जी ये मंदिर सर्वप्रथमे अष्टम नवम शताब्दी अंचल आगर थी गंगवंश राजा मानकर समय ये पुरातन मंदिरटा या बोली जहाँ आम ऐतिहास जना पड़े ये आप सांस्कृतिक देखते यहाँ हूँ सर्वप्रथम ये मंदिर या गंगवंश राजा मान द्वारा जुगल मूर्ति या जोटा कि आम कहूँ मिलन मूर्ति तापर यही जगह ये भगवान की मूर्ति अच्छा तो ये मूर्ति आप जना पड़े बहुत पुरातन मंदिर मंदिर डिजाइन मंदिर गठन आकृति जना पड़ी ये तो तथा पाखापाखि केते वर्ष हम ये मंदिर को आर्कोलोजी कह नवम शताब्दी रे मंदिर नवम शताब्दी मैं 1100 वर्ष रु ये 1200 रनिंग होची सर 1200 रनिंग होची जहां हमर सर्वे रु जना पड़ी अरे ये गल आउ किछि लोक कथा बा आउ किछि पौराणिक कबर किंवदंती जा होची जे सेते बेले गाना आ जाय राजा मन को पाखरे माने गंगवंश पीरियड रे अति पुरना जिनिसटा सेते बेले आमर विश्वकर्मा अनुसार जेन देवशिल्पी गुड़ाक जन्म होते आमर ये भारत रे तो से शिल्पी मान को राजा मैंने मान आदेश कर मंदिर गुड़ाक या आज्ञा ये मंदिरटा विश्वकर्मा शिल्पी एका कर किंतु कौन है आज्ञा ये तार किंवदंती हूँ ये खाल देख ये जगह गोटे विराट खाल था से खाल कण हो जेन इटाटा से सर इटा याकर इतने कागज लटकला बोले कौन सी मानते सीमेंट एवं सीना है सेतक बेले आज्ञा ये पूरा अठारे याठा आज्ञा आग या गुड़ बेल अठा तापर चून ये सब को आज्ञा पेरी कर पूरा प्योर अठा आम जेन कागज पेस्ट करा ये इटा भी आज्ञा एमती याचे पूरा कागज बोले पूरा प्लेन पूरा दुईटा देख जॉइंट जना पड़े कि कौन सी पेस्ट रहा कराई आटा को एमती आज्ञा दे आगे आज्ञा लोकंर मान शक्ति सेतक बेले से मैंने आज्ञा करुते ये जिनटा अक्षुण्य रो अक्षुण्य रही आज पर्यटन सर यहाँ है आम पुराणा पौराणिक किंवदंती आम ऐतिहासिक किंवदंती देखु ये शिणारे लिपिबद्ध हो रही ये के पुरतन काल जो समय कई लिपि चलूला तो मुझे पढ़ी पारे हे तो कौन सी लिपिकार पढ़ी पारे शिवाय पातालेश्वर देवाय बेल मध्यम समर्पयामि
विष्णु देवे बच्चे जाते कमल जीवे शिव पूजा करम शिव सर्वजिलोकम सर्वजिलोक पालम सर्वजिलोकम बलवत्म शिवाणम नागजिराज नागरूजित नागकुंडल संयुक्त बलवत्म शिवाणम ओम नम शिवाय पातालेश्वर देवाय बेलवत्यम समर्पयामि हर हर महादेव नमः शिवाय नमः शिवाय मणिकांदी सुमंदिनी माल्यकाधिरे प्रभो मया नितानि पुष्पाणि वाणं परमेश्वरम। दर्शक बंधु कहतु यही आम पातालेश्वर महादेव जो अच्छा कौन कौ समय पूजा आरंभ हुए कौन कौन सब पूजा कराए कौ समय कौन ठाकुर प्रति भोग अर्पण कराए सका आसिक जो पूजाटा मंदिर आसिक महाप्रभु पहला प्रथम स्नान फान कर बेलपत्र फूल सब चढ़ी भगवान ठारे सातटा साढ़े सातटा सुधा खिचड़ी भोग लगा जाए तापरे कौन भोग लगा जाए तापरे आ किसी ना थरुटे हां संध्या बेले फिर इटा धूप दीप नगद जे आलसी करा जाए कौन कौन सब पूजा पर्वण पालन करा जाए शिवरात्रि होची सर तापरे शिवरात्रि जो धूमधाम रे लोक गुडा को दियंती केते पाखा बाकी एठी भक्त संगम हो प्राय 2025 खंड हे जंती शिवरात्रि अन्य समय रे अन्य पूजा पर्वाडी बेले सावण मास के केवल बोलबम बेले आसंती सेटा भी हजार खंडे 1200 खंडे एमती पूरा रात दुईटा अढ़े जाऊ आस और पूरा दिन दुईटा चारटा हो जा समस्त जाति के देखिए बोलबम देखिए प्रतिमास चल जाए अखंड दीप जाति भक्त मान पुराण पाठ हुए जो भक्त मैंने ठीक आसती सी कौन विशेष मनोभाव नहीं कि आसती है ये प्रत्यक्ष हिसाब से कौ भाई मानती आँ कौ मनस्कामना पूर्ण हुए जिते गुड़ाक सब थी दुख कष्ट सब आस अध्याय पढ़ती भगवान क्या तीन दिन क्या पाँच दिन क्या सात दिन प्रति कर जोटा कहवा कथा कही कर जहाँ खोईदेवर कथा से खोई दौन मेडिसिन भी आकार भी खोई दौन आसमान सब सक्सेस तथापि कौन अलौकिक घटना आप अनुभव कर पूजा पीरियड जो 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 गुड़ाक भक्त गुड़ाक ये आम गाँव में गोटे जड़े भक्तटा ये पोजिशन चलूला अच्छा ये पोजिशन चलूला से भगवान दया बर्तमान पूरा स्टैंडिंग अच्छे ये आसे अध्या पड़े पूजा पर्वाणी कले ठीक है दर्शक बंधु पातालेश्वर महादेव दर्शन आम कले एठिकार आध्यात्मिक तथ्य पौराणिक तथ्य एवं पूजा विधि सविशेष आम पूजक महाशय एवं गाइड महाशय आम सम्मुख रखिले तेणु दर्शक मान तरफ ईश्वरीय विश्वविद्यालय तरफ आपको बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँ। दर्शक बंधु आम देखिले केते ऐतिह्य केते परंपरा केते सांस्कृतिक पीठ यही शैव पीठ निजर कर्ममय जीवन रु किसी समय काढ़ी आध्यात्मिक चिंतन रे यही पीठ से आसी बितांतु जहाँफल आम मन सुख शांति हवा सहित परिवार सुख शांति हे एवं सुंदर विश्वटे गढ़ी उठ। ओम शांति। शिव परमात्मा अनाबिल भक्ति विभोर प्रिय आध्यात्मिक प्रेमी भाई भौनी माने आज आम समस्ते नुआपड़ार सुंदर सुरम्य मनलोभा प्राकृतिक सौंदर्य भरा पातालेश्वर महादेवंकर पवित्र पीठरे से परमेश्वरंकर दिव्य कहानी को शुणिले मंदिर रे लुकायित रही पौराणिक ऐतिहासिक आध्यात्मिक लोककथा को आम पूजारी महाशय अवगत हेले तेणु वास्तविक आम एत भक्ति श्रद्धा एत भावना एत आशा आकांक्षा नहीं दौड़ी आसुचे से परमेश्वर पाखक से पातालेश्वर महादेव पाखक निजर से मनोवांछा को मनस्कामना को पूर्ण करने वास्तविक आम जिते बड़े शिव मंदिर को आसुचे आम मन मध्य कौन स्मृति जागृत होमृति में आम आसी परमात्मा निकटने निजर मनर भाव को व्यक्त करुचे यार नामकरण आम करतालेश्वर अर्थात पातालंकर पाताल रुवा ईश्वर किंतु वास्तविक आम देखा गले
स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनोटी शब्द आमर लौकिक कथारे बा पौराणिक कथारे वर्णना करा जायछि किंतु ताकु आज आम जीवन यात्रा रे बाई वास्तविक जगत रि आम अनुध्यान करिबा तबे आम जानिबाकु पाइबा जे वास्तविक पाताल स्वर्ग मर्त्यर कौन रहस्य मर्त्य कहिले आम साधारणतः बुझू यही चलाचल जगत जोठी आम जीवजगत बास करूचे प्राणी उद्भिदर ये समष्टि एवं स्वर्ग कहिले आम बुझी था उपरे अच्छी हुए तो आम देखिपारे अनति दूर के रही स्वर्ग जोठी देवता मैंने रुहति इंद्रसभा अच्छी बहुत किसी पाताल कहले मर्त्यर तले ताले पाताल जोठी बासुकी नाग विभिन्न नागलोक विभिन्न प्रकार किंवदंती से विषय रही किंतु आज विज्ञान जुगरे आम आज समस्ते वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करूचे जे सूर्य एवं नवग्रह ये एक आवाहन काल बंधा हो रही सूर्यंकर महाकर्षण शक्ति द्वारा नवग्रह तांकर चतुपार्श्व घूरी बुलुचंती आम जो पृथ्वी में बसति स्थापन करीचे बा जीवन जापन निर्वाह करूचे आम जो पृथ्वी में बसति स्थापन करीचे बा जीवन निर्वाह करूचे ताहा एक ग्रह जहाँ सूर्य चारिपटे घूरी बुलुची निजर कक्ष चारिपटे घूरवा सहित कक्ष चारिपटे पुनरावृत्ति हो घूरी चली तेणु यार ऊपर को आम जब देखुचे शून्य ही शून्य तले आम देखुचे शून्य एवं चतुर्दिगरे शून्य यह एक अनंत आकाशे सूर्यंकर महाकर्षण शक्ति द्वारा घूर्णयमान होता एक बहुत बड़ बलय बा ग्रह तेणु तारी मध्य आम बसवास करीचे यार ऊपर केउठारे जगतर आवाहमान स्थिति आम जाणिना कि तले कौन स्थिति आम जाणिना तेणु ये जो कथा रही स्वर्ग नरकीय पाताल वास्तविक यही तीनोटी स्थान तीनोटी नामर महिमा यही मर्त्य जगतर ही अच्छी स्वर्ग कहिले गोटे सुंदर दुनिया जोठारे सुख शांति आनंद प्रेम वैभव यही सूक्ष्म शक्ति सहित स्थूल जगतर धन धान्य संपत्तिर मध्य परिपूर्ण जगत जोठारे बसति स्थापन करुथिबा बा बसवास करुथिबा व्यक्ति विशेष संपूर्ण दैवी गुणयुक्त देवता तुल्य तेणु ताकु स्वर्ग कहा जाउछि एवं मर्त्य कहिले यही साधारण जगत को आम बुझु नर्क कहिले जोठारे दुख अशांति पाप जर्जरित दुनिया तेणु भागवत आमर गोटे पंक्ति रही स्वर्ग नरक बेनीवाणी उद्धव एक स्थाने जाणी तेणु स्वर्ग नरक दुईटी स्थानर नाम नुह गोटे स्थानर परिवर्तित रूपर नाम तेणु यही सृष्टि जो सत्य त्रेताया द्वापर गली चारोटी जुग रही सत्य त्रेताया को आम स्वर्ग रूप से दर्शाऊे जोठार सुख शांति संपत्ति संपूर्ण भरपूर था द्वापर जुग को आम मर्त्य रूप से देखाऊे जोठार सुख दुख मिसिकरी जीवन दुख सुख पाप पुण्य सब मिसी रही किंतु कली युग जो आम देखुचे पापर भार दुखर भार अशांतिर भार अत्यधिक मात्रा रे रही जाइछि एवं जो दिव्य गुण को आम देखुचे किंचित मात्रा रे एवं समस्त दिव्य गुण आज लुप्त हो जाइछि तेणु पाताल आम जो दर्शाऊे जे गुप्त स्थान बा यार तले रही जहाँ को आम देखिपारे स्वर्ग कहले तो आम उपरकू चाहे कि मर्त्य कहले आम तल को चाहे तो मटी व्यतीत आमको किसी देखा ही जाऊना तेणु एक गुप्त सत्ता को गुप्त स्थान को आम पाताल बोली दर्शाऊे तेणु आज जो मानवर बेक शक्ति दिव्य गुण सुप्त हो जाए कली युग सारा संसार विषय सगर में मनुष्यर से दिव्य चेतना लुप्त हो जाए पाताल पुरी सहित सामान एवं द्वितीयतः आम पाताल कहले जो गुप्त स्थान देखे एवं प्रत्येक शिव मंदिर आम जब देखा से 50 भाग रु अधिक शिवलिंग कहुए जे ताकि से आपे आपे पाताल फुटि बाहरी अर्थात परमात्मा प्रतीक को आम देखे जे ताकि अर्थात से कहार गर्भरु जन्म नहीं नहांती से निजे निजर सृष्टिकर्ता बा स्वयंभू अर्थात से निजे भूगर्भर उत्पन्न होती अर्थात स्वयं जात तेणु यही पाताल फुटी महादेव आम जो कहे
अर्थात भगवान कहार गर्भरु जन्म नियंती नाही, से अजोनी संभूता बा से हेउचंते प्रकृति को अधीन करी ए धरापृष्ठ को अवतरण करिथांती। तेनु एठारे पाताल फुटी महादेव बा पातालेश्वर कहिबार तात्पर्य गुप्त रूपरे आसुथिबा ईश्वर, वास्तविक से ईश्वरंकर से चैतन्य ईश्वर परमधाम रही रही थांती। परमधाम हेउचे ए सूर्य चंद्र तारार आलोक ठारु बहुत ऊर्धरे, जहाँ आम कहचे शून्य शून्य महाशून्य, शून्य मध्य निरामय, निरामय मध्य ज्योति, सज्योति भगवान आय। तेणु ये सूर्य चंद्र तारार दुनियार ऊपर आउ गोटे दुनिया अच्छी जहाँ को आम सूक्ष्म देवलोक कहचे, से सूक्ष्म देवलोकर ऊपर एक सुंदर सुनेहला लाल रंगर किरणर आकाश रही, से षष्ठ तत्व बा ब्रह्मतत्व परमात्मा निवास स्थान। तेणु से परमात्मा परमधाम गुप्त रूप से रही था, से परमधाम रास्ता सत्य त्रेता द्वापर कली चारोटी जाक जुगरे आम क्या प्राप्त हो न थाए, केवल यही कली जुगर अंतिम समय सत्य जुगर आदि समय यही संगम जुगरे स्वयं परमात्मा से गुप्त रूप से रहुवा ईश्वर परमधाम को छाड़ी ये सृष्टि रूपी रंगमंच को आसी आम भली आत्मा मानकर आज पातालगामी हो जाइथिबा से दिव्य चेतना को बाहे सद विवेक को पुनर्जागृत करउचंती, आम भितरे लुचि जाइथिबा से महानियता को से देवत्व प्रतिभा को परिप्रकाश करउचंती, से निजे मध्य स्वयंभू निजे आसी तांको निजर परिचय देवा सह आम निजर परिचय देउचंती जे आमे मध्य समस्ते जने जने आत्मा आमे से परमधाम निवासी सूक्ष्म चैतन्य अजर अमर अविनाशी सत्ता। तेणु यही समय से परमात्मांकर ए दिव्य कर्तव्य को आमे से दिव्य चक्षु को उन्मोचन कर अवलोकन करिबा, कुहा जाए परमात्मा को जानिबा पाई हेले आमको दिव्य नेत्रर बा दिव्य ज्ञानर आवश्यकता रही। तेणु गीतार मध्य एक कथा दर्शा जाइछि जे कृष्ण अर्जुन को प्रथमे दिव्य चक्षु प्रदान करथिले, तापर से तांकर दिव्य लीला को बुझी पारिथिले। तेणु परमात्मा आज सृष्टि रंगमंच अवतरण करी जो दिव्य लीला चलाई बा अवतरण करी जो श्रेष्ठ कर्तव्य करूछंती जानिबा पाई हेले प्रथमे आमर ए तृतीय नेत्र को बुद्धि रूपी नेत्र को ज्ञान नेत्र को खोलिबा दरकार। आ ज्ञान नेत्र सेतेबेले उन्मोचन हो पारिबो जेतेबेले आमे निजकु देहरु मुक्त एक चैतन्य दिव्य ज्योतिर्बिंदु आत्मा बोली भाविबा, वास्तविक आत्मा मध्य से दिव्य सत्ता जे परमधाम थिला। आमे जेतेबेले परमधाम थिले आमे मध्य सतो प्रधान बा स्वर्गीय गुणरे संपूर्ण थिले, जेतेबेले आमे धरापृष्ठ को आसी सत्य त्रेता परे द्वापर युग को आसीगले आम भितरे नकारात्मक गुणर प्रवेशता हेला जहार मात्रा एते अधिक नथिला जहाँ आज देखा मिलूची। समय क्रमे ये कलीजुग शेष जेतेबेले संपूर्ण रूपे संसार को मायार कराल गर्भर आम ग्रासित हो जाऊे आम आत्मार दिव्य चेतना अवलुप्त हो जाऊे, यही समय से ही गुप्तेश्वर बा पातालेश्वर परमात्मा आसी आम समस्त को उधार करुचंती। सुप्त हो जाइथिबा अवलुप्त हो जाइथिबा आमर दिव्य प्रतिभा को पुनर्जागृत कराउचंती। तेणु हे आध्यात्मिक प्रेमी भाई और भौणी माने आज आम समस्त भितरे ए दृढ़ संकल्प दृढ़ विचार आसवा दरकार जे आम जेतेबेले मंदिर को आसुचे माँ भगवान को स्मरण करुचे से मुक्तिदाता से परमेश्वर निकटने आमर यही प्रार्थना बा यही दृढ़ संकल्प रहा दरकार जे आमर आज जो अवचेतना मन आमर जो सद्विवेक सुप्त हो जाइए पातालगामी हो जाइए से पातालेश्वर परमात्मा से पातालाभिमुख आम भितर से दिव्य चेतना को पुनर्बार जागृत करेबे। तेणु आम मन मध्य परमात्मा प्रति संपूर्ण निष्ठा रखी निज भितर एति दृढ़ विश्वास रखा जे आज ठार् मो जीवन सुप्त हो जा शक्ति को पुनर्जागृत करी मुझे शांत स्वरूप आत्मा प्रेम स्वरूप आत्मा शक्ति स्वरूप आत्मा
यही श्रेष्ठ संकल्प नहीं जीवन दैनदिन कार्य निर्वाह करी एवं परमात्मा से सत्य स्वरूप को जाने भले मु मंदिर रे भगवान को मन पकाए बा घरे मन पकाए कार्यक्षेत्र रे मन पकाए तांकर से ज्योति रूप को दिव्य चेतना दिव्य ज्योति स्वरूप को परम धाम रे स्मरण करी निज भीतर थिबा से सुक्त शक्ति को पुनर्जागृत करी सुख शांतिमय जीवन रो अनुभव करी यार आउर अधिक भावे विवरणी प्राप्त करने सहज सरल मार्ग प्राप्त करने आपण ईश्वरीय विश्वविद्यालय पदार्पण करने आपण मानकु हार्दिक निमंत्रण ओम शांति।
शांति परम प्रिय परम पिता परमात्मा अमृत संतान आध्यात्मिक प्रेमी दर्शक भाई भौनी मानको आंतरिक शुभेच्छा आम समस्ते निराकार ज्योतिबिंदु परमात्मा शिव को द्वापर युगर भक्ति करी भक्तिर शेष हुए ईश्वर ज्ञान प्राप्ति रे प्रकृतिर तम प्रधानता एवं पांच तत्वर तांडव लीला आखि आगे झलसी उठी अन्य पार्श्वरे स्वयं परमात्मा धरापृष्ठ अवतरित हो आमर ज्ञानचक्षु उन्मोचन करचंती परिवर्तनर एही घड़ी संधि मुहूर्त में आसंतु आम समस्ते सजाग हो उठिबा निष्ठार सह निराकार ज्योतिबिंदु परमात्मा शिव को भक्ति करथुवा भक्त मानक पाई ईश्वरीय ज्ञान प्राप्तिर सुवर्ण मुहूर्त उपनीत परमात्मा प्रकृत परिचय पाई तांको ज्ञान रे निज जीवन को उद्भासित करिबा एवं अज्ञानता रूपक अंधकार रु ज्ञान लोकर अभिमुखी हेबा एवं निजर सत्वप्रधान संस्कार गढ़ आसतु व्रती हवा आमर ये प्रचेषा आपण मान मन प्राण को उद्बुद्ध कर आशा एवं विश्वास ओम शांति।